वेलकम बैक गाइस। तो जैसे कि मैंने बताया था, सिजोर आने वाले पोकेमोन यूनाइट के अंदर 29 सितंबर को। तो अभी यार एक नई अपडेट है कि सिजोर के जो मूव्स होने वाले हैं गेम के अंदर वो बिल्कुल रिवील हो चुके हैं। और हाँ, सिजोर भाई डायरेक्ट सिजोर वाले स्टेज से नहीं होने वाला, पहले साइथर के स्टेज से होने वाला है, फिर भाई वो सिजोर बनेगा। काफी बार ऐसा होता है ना कि भाई मतलब डायरेक्ट उसको फाइनल स्टेज में से डाल देते हैं, लेकिन हाँ सिजोर के साथ ये केस नहीं होने वाला। अच्छी चीज है भाई, साइथर से खेलेंगे फिर सिजोर से। अब सबसे पहले ये जो मूव है ये बता दो, ये होने वाला है साइथर का यूनाइट मूव। अगर तुम्हें नहीं पता, साइथर और सिजोर दोनों का अलग अलग यूनाइट मूव होने वाला है। पता नहीं ऐसा कैसे है, बट हाँ इन दोनों के अलग अलग यूनाइट मूव होंगे, तो ये साइथर का है। इसके अलावा ये नेक्स्ट मूव ये है डबल हिट अटैक। ये काफी बढ़िया अटैक है और ये साइथर का भाई मतलब सही रहने वाला है अटैक, बहुत पावरफुल रहने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट अटैक देखें तो ये रहने वाला है फ्यूरी कटर। इसके बारे में सब जानते होंगे, बढ़िया अटैक है। यहाँ पे नेक्स्ट अटैक ये लगता तो भाई बिल्कुल एक्सीडर जैसा है, लेकिन ये वो नहीं है, ड्यूल विंग विट ये इसका नाम है। अच्छा अटैक है ये भी भाई, पावरफुल सा। और यहाँ पे नेक्स्ट देखे जाए तो ये भाई क्विक अटैक रहने वाला है, तो ये भी ऑब्वियसली भाई एक काफी बढ़िया मूव है। तो अब ये तो थे सारे के सारे साइथर पोकेमोन के मूव्स। अब आते हैं इसके एवोल्यूशन सिजोर के मूव्स के ऊपर। अब यार सबसे पहले सिजोर का ये जो मूव है ये भाई एक नॉन डैमेजिंग मूव है, इसका नाम है स्वॉर्ड डांस। ये ऑलरेडी भाई गेम के अंदर है, सबको पता होगा, एजी के पास रहता है गैस ये वाला मूव, सही है ये भी काफी। और यहाँ पे नेक्स्ट देखा जाए तो ये बुलेट पंच होने वाला है भाई, ये वाला ना बहुत ज्यादा डैमेज देने वाला है, बिल्कुल क्लोज कॉम्बैट टाइप का मूव है ये। और इसके बाद नेक्स्ट मूव सेट देखा जाए तो ये होने वाला है सिजोर का यूनाइट मूव। जैसे मैंने कहा साइथर और सिजोर के यूनाइट मूव अलग अलग होने वाले, तो ये भाई सिजोर का यूनाइट मूव होगा। तुम देख सकते हो बहुत सिमिलर लग रहा है साइथर वाले से, बट हाँ ये डेफिनेटली ज्यादा डैमेज वाला होगा जहां तक मुझे लग रहा है। तो लगता तो ये बहुत ही खतरनाक है। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भाई सितंबर में सिजोर के साथ साथ म्यू भी आने वाला है भाई, सितंबर के अंदर ही म्यू पोकेमोन भी आने वाला है यूनाइट के अंदर, और ये बहुत बढ़िया पोकेमोन होने वाला है। तो म्यू के जो मूव्स हैं ये भी रिवील हो चुके हैं, और अब हम लोग जरा म्यू के जो मूव सेट हैं उन पर भी नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए सबसे पहला मूव ये तो भाई दिखने से काम माइंड टाइप का लग रहा है, काम माइंड होगा। सेकंड वाला ये जो मूव सेट है ये भाई एजिलिटी है म्यू का, और यहाँ पे ये तो भाई देखने से समझ सकते हैं सब लोग ये सोलर बीम है, तो ये काफी मजेदार चीज होने वाली है। यहाँ पे इलेक्ट्रो बॉल भी सीख सकता है म्यू, और लिटरली भाई सर्फ अटैक तक सीख सकता है। और इसके बाद नेक्स्ट मूव ये वाला जो मूव है ना ये होने वाला है कोचिंग। इसके बारे में तुमने ज्यादा नहीं सुना होगा, बट ये भी एक बढ़िया मूव है। और यहाँ पे नेक्स्ट और लास्ट जो मूव है ये है लाइट स्क्रीन। तो इसके बाद जो नेक्स्ट मूव है वो इसका सीधा यूनाइट मूव है, मुझे जहां तक पता है तो ये यूनाइट मूव ही होने वाला है। देख सकते हो कुछ बहुत ही खतरनाक मूव लग रहा है भाई मुझे तो ये कुछ डेफिनेटली बहुत ज्यादा डैमेजिंग खतरनाक सा यूनाइट मूव होने वाला है म्यू का। इसके अलावा जितने लोग भी पूछ रहे हैं कि भाई म्यू कितने एओस कॉइंस का होने वाला है जब वो आएगा गेम में, तो मुझे क्या लगता है कि भाई ये एक इवेंट ओनली पोकेमॉन हो सकता है, क्योंकि यार सबको पता होगा ज़ेरा ओरा और जो हुपा है ये दोनों भी इवेंट वाले थे, और इनमें सिमिलर चीज ये है कि ये दोनों भी मिथिकल पोकेमॉन थे, म्यू भी मिथिकल पोकेमॉन है। तो मे बी म्यू भी यार पहले इवेंट पोकेमॉन के तौर पर आएगा, बाद में फिर इसको एओस कॉइंस का रख देंगे, मे बी 10,000 एओस कॉइंस का। तो हाँ जहां तक तो ये इवेंट वाला पोकेमॉन ही रहेगा। बाकी वीडियो पसंद आएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और तुम्हें डॉडरियो के मूव सेट के ऊपर वीडियो चाहिए कॉमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। मिलेगा तुमसे ऐसी किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।